बीआर रैंक सीजन चेंज हो चुका है एंड अभी सारे बंदे रैंक पुश कर रहे हैं, किसी को हीरोइक जाना है तो किसी को ग्रैंड मास्टर। लेकिन इस वीडियो पर ग्रैंड मास्टर के रीजनल प्लेयर्स की द सीक्रेट ट्रिक्स को जानेंगे, जिनका यूज करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा रैंक प्लस एंड ज्यादा से ज्यादा मैचेस को बोया कर पाओगे। जब भी हम लोग फ्रेंड लॉबी पर होते हैं तो नीचे पर हमें मिलेगा एक बॉक्स एंड यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे लाइक बॉन फायर, सप्लाई क्रिएट एंड एयर ड्रॉप। लेकिन इन सारे में से तुम्हें लेना चाहिए सप्लाई क्रिएट। मैच के स्टार्ट होते ही तुम्हें अपने सप्लाई क्रिएट से बहुत सारी लूट्स मिलेगी, लेकिन ये भी काफी नहीं है क्योंकि अगर कोई बंदा तुम्हें मार देता है और जब तुम्हारे टीममेट्स तुम्हें रिवाइव करते हैं तो सप्लाई क्रिएट के कारण रिवाइव होते ही तुम्हारे पास होगी थॉमसन गन। लेकिन अगर तुम लोग बाकी चीजों का यूज करोगे तुम्हें यूएसपी या फिर G18 गन ही मिलेगी। और इतना ही नहीं बल्कि साथ ही तुम्हें 200 टोकेंस भी मिलते हैं। देखो कुछ बंदे होते हैं जो कि काफी ज्यादा सर्वाइव एंड पुश करके गेम प्ले करते हैं और ज्यादातर ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स भी इसी टेक्निक का यूज करते हैं। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग पुश करके यानी कि सर्वाइव करके खेलो तो एरोप्लेन से तुम्हें पहले जंप नहीं करना बल्कि सबसे लास्ट पर तुम्हें जंप करना, क्योंकि लास्ट तक आते आते सारे बंदे इधर ही जंप कर देते हैं, लास्ट पर बहुत ही कम बंदे उतरते हैं एंड साइड पर उतरने के बाद कुछ गन्स वगैरह तुम लोग लूट करके एक जगह पर सर्वाइव करना और सिंपली तुम्हें जॉन को फॉलो करते हुए चलना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। जैसे कि शुरू के 2-3 जॉन बनने तक तुम्हें क्या करना है, जॉन के साथ साथ ही चलना, क्योंकि शुरू के 2 या फिर 3 जॉन काफी कम डैमेज देते हैं और अगर तुम्हारे आगे बंदे आ भी जाए तो तुम लोग जॉन पर रोटेशन करके भाग सकते हो। लेकिन आखिरी के 2-3 जॉन पर तुम्हें क्या करना है, कभी भी जॉन के साथ नहीं चलना, क्योंकि आखिरी वाले 2-3 जॉन काफी ज्यादा डैमेज देते हैं और वैसे जॉन में तुम कभी भी सर्वाइव कर नहीं सकते, बल्कि लास्ट वाले जॉन के श्रिंक होने से पहले तुम्हें जॉन के मिडिल पर के बैठना है। देखो जब भी हम लोग क्लैश स्क्वाड या फिर कस्टम का मैच खेलते हैं तो हम लोग पूरे मैच पर बस ट्राई करते हैं वन टैप हेडशॉट मारने की या फिर ड्रैग हेडशॉट मारने की। लेकिन बीआर रैंक मैचेस पर तुम्हें कभी भी हेड के लिए नहीं खेलना, चुप कर बे कुत्ते, खासकर जब तुम लोग ज्यादा रैंक पॉइंट करना चाहो या फिर ग्रैंड मास्टर जाना चाहो। तो वैसे में तुम्हारे सामने काफी हार्ड प्लेयर्स आते हैं और इसीलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट के लिए नहीं खेलना। रैंक मैचेस पर भले ही तुम्हारे कितने भी बॉडी शॉट लगे लेकिन वो चलेगा। IPL देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके प्राइजेस भी जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसा कि हु विल विन द मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50+ क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन दो, इससे काफी प्राइजेस भी जीत सकते हो। lotus365 पर जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 rupees का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 hours कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 million से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चन जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल और नेहा शर्मा जैसे बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे, लिंक पिन कमेंट बॉक्स में है। जब भी हम लोग किसी भी बंदे को मारते हैं तो उसका लूट क्रिएट बनता है, लेकिन सारे लूट को लूटने के बाद भी वो तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। तो देखो पूरे मैच पर अगर तुम्हारे सामने लूट क्रिएट, वेस्ट अपग्रेडर, एयर ड्रॉप या फिर वेंडिंग मशीन जैसी कोई भी चीज हो तो कुछ इस तरह से तुम्हें छिपा कर उसके आस पास पर लैंड माइन को यूज करना, और इन सारी चीजों में से कुछ भी ना हो तो तुम लोग घास पर भी इसे छिपा कर रख सकते हो। लाइक आस पास पर जितने भी इस तरह के बुश मिले तो इस पर भी तुम लोग छिपा कर लैंड माइन को लगाना। और अगर सोलो मैचेस हो तो ये किल करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। हम लोग जब भी मैच को स्टार्ट करते तो एक अच्छी सी प्लेस पर जंप करते हैं, लेकिन आखिर हमें कहां पर जंप करना चाहिए जहां लूट भी ज्यादा मिले और जहां हमारे साथ काफी कम एनिमी उतरे। भाई मुंह की बात छील ली। सो देखो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। मैच के स्टार्ट होते ही जब तुम लोग लॉबी पर आओगे तो यहां पर सारे बंदों को तुम लोग अच्छे से देखना। लाइक अगर लॉबी पर बहुत ही अच्छे अच्छे एंड डेंजरस प्लेयर्स तुम्हें दिखे, इससे पता चलता है कि तुम्हारे मैच पर अच्छे यानी कि प्रो प्लेयर्स आएंगे, तो तुम्हें उस मैच पर कुछ साइड वाले प्लेसेस को सिलेक्ट करना है। लाइक मैंने कुछ जगहों को मार्क करके रखा है, तुम लोग चाहो तो वैसे जगहों पर जंप कर सकते हो, क्योंकि इन सारे मार्क वाले जगहों पर काफी कम बंदे उतरते हैं और अच्छी खासी लूट भी मिलती है। लेकिन अगर मैच स्टार्ट होते ही तुम्हारे लॉबी पर काफी नूब प्लेयर्स दिखे एंड तुम लोग इसको पहचानने के लिए सारे बंदों के बंडल्स को देख सकते हो, क्योंकि अच्छे अच्छे प्लेयर्स होंगे तो वो काफी ज्यादा मूवमेंट भी करेंगे। तो मैच पर नूब प्लेयर्स आने पर तुम्हें कुछ अच्छे जगहों पर ही जंप करना है, लाइक बीमा शक्ति, पीक, क्लॉक टावर एंड मील, क्योंकि मैच पर होंगे नूब प्लेयर्स एंड यहाँ पर उतर के तुम लोग अच्छे से किल भी कर सकते हो। शाबाश। एंड इसी ट्रिक का यूज बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स भी करते हैं।
जब तुम्हारा रैंक मैच आखिरी समय पर होता है, तुम लोग सिंपल सी ट्रिक का यूज करना ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा किल्स मिले, वो भी हेडशॉट के साथ। छोटे जोन पर तुम्हें मिनी लॉन्च पैड का यूज करके किसी हाइट पर चढ़ना, क्योंकि अगर तुम लोग ऊंचे पर चढ़कर फायरिंग करोगे तो इससे तुम्हारे ज्यादा हेडशॉट भी लगेंगे एंड ऊपर से तुम्हारे बोया होने के चांसेस भी ज्यादा होती है। देखो, जब भी तुम्हारे रैंक मैच पर शॉर्ट रेंज या फिर मिड रेंज से फाइट हो, चाहे तुम लोग सोलो मैचेस खेलो या फिर डुओ या फिर स्क्वाड पर रैंक पुश करो, लेकिन शॉर्ट या फिर मिड रेंज पर तुम्हें हमेशा सबसे पहले ग्रेनेड का यूज करना, यानी कि सबसे पहले तुम लोग ग्रेनेड को उस पर फेंको, देन इसके बाद उस पर रश करो। मगर क्यों? ऐसा करने से बहुत बार बहुत सारे बंदे किल हो जाते या फिर नॉक हो जाते एंड वो टाइम तुम्हारे लिए एंड तुम्हारे स्क्वाड के लिए रश करने के लिए सबसे बेस्ट होती है। ये ट्रिक काफी ज्यादा अमेजिंग है एंड इसको तुम्हें काफी कम बंदे ही बताएंगे। जब भी हम लोग स्क्वाड या फिर डुओ पर रैंक पुश करते हैं तो हमारा रैंक स्कोर 5 अलग अलग तरीके से प्लस होती है और हमारा रैंक प्लस होता है 5 अलग अलग स्कोर को मिलाकर। तो जब भी तुम लोग मैच पर सर्वाइव करते हो, किल्स करते हो या फिर अपने टीममेट्स को रिवाइव करते हो, सारे एक्टिविटी की अलग अलग तुम्हें रैंक पॉइंट्स मिलती है। अच्छा, और इसीलिए ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स रैंक पुश करते समय अपने टीममेट्स को जानबूझकर नॉक कराते हैं एंड उसको रिवाइव भी करते हैं, और साथ ही वो ज्यादा से ज्यादा किल्स भी करते हैं जिससे उसे ज्यादा प्लस भी मिलती है। सो अब जानते हैं बीआर रैंक की बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, लेकिन उसको बताने से पहले प्लीज, बहुत दिन हो गए, चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो। तो यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखो, अगर तुम लोग सोलो पर रैंक पुश करते हो तो तुम्हें किन कैरेक्टर्स का यूज करना चाहिए। एंड वहीं अगर तुम लोग डुओ या फिर स्क्वाड पर रैंक पुश करते हो तो तुम्हें इन 4 कैरेक्टर्स का यूज करना चाहिए। तो ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।